क्या नाम है आपका? मोहम्मद नूर हुसैन शेख। मोहम्मद नूर हुसैन शेख, तो आपका बेसिक गांव कहाँ का है, कहाँ के रहने वाले? मेरा दरंग असम। असम में? हाँ, गुवाहाटी। गुवाहाटी के रहने वाले, ठीक है। तो बेंगलोर कब आए आप? दो साल से बेंगलोर में आके। तो क्या काम करते हैं आप? हम तो पहले करता था वो सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी का काम करते हैं, ठीक है। तो अभी भी सिक्योरिटी का काम? नहीं, अभी थोड़ा अभी करने नहीं सकता है, इसलिए थोड़ा दुकान दे के बैठ गया। अच्छा, तो अभी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप अपना यहाँ छोटा सा दुकान खोल लिए? तो ये किस दिन टूटा है ये? एक हफ्ता। हाँ, एक हफ्ता पिछले शनिवार। हाँ, 18 तारीख का। उस दिन आके उधर से तोड़ने लगा, उधर से तोड़ने लगा, उसको तोड़ के छोड़ दिया, छोड़ के इधर से आके इधर तोड़ने लगा। तो जब तोड़ रहे थे तो वो लोग कुछ बोले, क्यों तोड़ रहे हैं? बोलने से भी नहीं, नहीं वो लोग कुछ क्यों तोड़ता है, क्यों ऐसा करता है। बाद में कोई कोई आदमी, बड़ा आदमी, वो वकील को बुलाया। वकील आने के बाद वकील बोला, तुम्हारे पास कोई नोटिस है, कोई कुछ कागजा है, तुम लोग तोड़ रहा है? तब गाड़ी रोका। अच्छा। इतना तोड़ने के बाद? अच्छा, तो किसी के आने के बाद जब पेपर का पूछा तब रोका है? हाँ, ठीक है। अब ये बताइए, तो बोला हम लोग को बात नहीं मानता है, वो लोग तोड़ने लगा है। तो अब ये बताइए, अभी इसके बाद टूटने के बाद अब कोई और आया है सरकार की तरफ से, या कोई और मदद करने के लिए, कि क्या है? बहुत आदमी आया इसे उस पास करने के लिए, पूछा है जे तुम कहाँ के रहने वाले, क्या करता हो, ये सब पूछने वाला बहुत आया। आके वीडियो करके ले गया, मदद करने वाला कोई नहीं। आइए, दूर क्यों आ जाइए? नहीं, मदद करने वाला कोई नहीं, कोई नहीं आया। हमको खाली आता है पूछताछ करने के लिए, फोटो खींचा है, हाँ, बात करता है, ऐसे करके लेके चला गया, कोई मदद तो नहीं करता है। आता है बहुत, रोज एक दो दफा मीडिया वाला, सांबादिक वाला, पेपर वाला, पूरा लोग आता है, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं। हम तो देखो हमारा दुकान का क्या हाल कर दिया। अच्छा, चलिए अभी एक बात बताइए, ये जो जमीन है, ये यहाँ पे ये बस्ती कब से, कितना दिन पहले? ये बस्ती एक 3 साल से है। 3 साल पहले बस्ती है। तो ये आप लोगों के नॉलेज में ये जो बस्ती है, ये जमीन किसकी है? ये जमीन ओनर है, ओनर भी आया था उस दिन। अच्छा, ये सरकार का जमीन है या किसी का प्राइवेट? ओनर का है, ओनर का है। अच्छा, हाँ। ये दो ओनर का जमीन है। हाँ। दोनों ओनर उस दिन आया था। हाँ। आके पुलिस वाला से बात किया। हाँ। फिर पुलिस वाला चले गया। तो आप लोग जो इनके मालिक हैं, उनको आप लोग कुछ किराया देते हैं कि फ्री में? नहीं, फ्री में तो कोई नहीं रहता, आजकल थोड़ा बहुत भाड़ा देता है, गरीब आदमी है। नहीं, यहाँ का हकीकत ये है कि यहाँ के जमीन का मालिक है, ये सरकारी जमीन नहीं है। नहीं, सरकारी। और जो मालिक है वो आप लोगों को यहाँ पर रहने के लिए दिया है, उसके बदले में जो भी थोड़ा बहुत आप लोग किराया देते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत देता हूँ। यही हकीकत है ना भाई? ये थोड़ा बहुत उनको देता हूँ। तो ये मतलब कि सच्चाई यही है? हाँ, ऐसा नहीं है, लोग जो बोल रहे थे कि आप लोग सरकारी जमीन पे आके जगह बना लिया, ऐसा नहीं? नहीं, सरकारी जमीन नहीं है, सरकारी नहीं, ये मालिकाना जमीन है। हम लोग वो भी देखता है, हम गरीब है, हम थोड़ा बहुत उनको भी किराया देता हूँ। संपत कुमार राय। अच्छा, संपत कुमार। हाँ, संपत कुमार राय, उसका नाम, उनका नाम, माटी का मालिक। अच्छा, उसको इधर है, हम लोग रहता है, वो दोस्तों कुछ जो भी किराए देते हैं, जो रेंट है आप देते हैं, और आराम से रहते हैं। तो ठीक है, तो ये बताइए कि अब इसके बाद से जो टूट गया है, तो अभी आप लोग का क्या है? आप लोग फिर यहाँ बना के रहने का है आपका? जो जिससे आप लोग पैसा रेंट देते हैं, उनसे कुछ बात हुआ? वो लोग क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहा है जे अभी इसी टाइम में अभी सरकार से देखता हूँ क्या होता है, नहीं अभी बनाने जाऊँगा, फिर आके तोड़ फोड़ देगा, तब क्या करेंगे, कुछ दिन ठहरो, बाद में हम देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, कोई डिसीजन ले लेगा, ऐसे बोला। अच्छा, तो मतलब अभी वो रुकने के लिए बोले हैं। हाँ, हाँ, ये जो ऐसा काम हुआ है, आप लोग क्या शक लगता है कि क्यों हुआ है? ये तो मालूम नहीं सर, वो पुलिस वाला जानता है और ऊपर वाला जानता है। हम का इधर ऑफिस में काम करता है, 10,000 रुपये तनख्वाह मिलता है। अगर कोई भी मुकाम पे रहो, उसे 20,000 रुपये एडवांस, 8,000-6,000 भाड़े का मिलता है। तो उधर 10,000 महीना में उतना देने से किधर बचता है? बाल बच्चा वाला है, इसलिए इधर गांव में माँ बाप है, उनको भी भेजना पड़ता है, अपना भी पेट चलाना पड़ता है, इसीलिए इधर सस्ता मिलता है, 1,000-1,500 में झुग्गी। इधर रहता हूँ
10,000 कमाता हूँ, खाता हूँ भी, बाप माँ के लिए, बाल बच्चा के लिए गांव में भी थोड़ा बहुत बेचता हूँ। ठीक है, ये बताइए कि ये लोगों ने कहना शुरू किया कि बांग्लादेश से लोग आकर यहाँ गैर कानूनी तौर पे बसे हैं, इसमें कितनी सच्चाई? कितनी सच्चाई? इधर बांग्लादेशी 3 महीना पहले था जी, पहले कुछ लोग थे, अब नहीं है, 6 महीना पहले था। एक 6 महीना ये पिछला बार एक दफा आया था, बांग्लादेश पकड़ो, बांग्लादेश को भगाओ, इधर था बहुत बांग्लादेशी, उन लोग चले गया। अभी ये बांग्लादेशी का जुग्गी था, उन लोग चले गए। अभी जो इधर जुग्गी का ऑनर है वो आसाम का है, त्रिपुरा का है, कोई कोलकाता का है, कोई बिहार का है, ऐसा है। अभी फिलहाल इधर बांग्लादेशी नहीं, लेकिन उसका नाम पे चर्चा कर रहा है सब लोग, सब लोग चल रहे। तो मतलब ये आप कह रहे हैं कि 6 महीना पहले कुछ लोग थे, लेकिन अभी सारा लोग नहीं। तो अभी यहाँ सारा लोग हैं, आपने कहा कि कुछ बंगाल के हैं, कुछ आसाम के हैं और कुछ बिहार के हैं, अरे ये कर्नाटका के भी गांव और के कुछ लोग हैं। हाँ, कर्नाटका का भी है, कनाडी लोग भी इधर 10-20 फैमिली है, उनके भी है, उनका भी है। अच्छा, जितने लोग यहाँ हैं उन सब का पहचान पत्र और आधार कार्ड सब कुछ है? सब कुछ है, सब कुछ, सब कुछ है। उस दिन पुलिस वाला थाने पे बुलाया, सब कुछ का, सबका जेरॉक्स को भी करके थाने में भेज दिया था। अच्छा, सब कुछ है। तो ये ग्राउंड की हकीकत है, और कि जो ट्वीट किया गया कि बंगाली लोग आकर यहाँ पे बसते हैं और उसके बाद कार्रवाई भी हुई, तो ये तो आपको समझना पड़ेगा कि ये सियासत है, राजनीति है, या फिर मैं ये कहूँ कि बड़े बड़े बिल्डिंगें जो बन जाते हैं और ऐसी झोपड़पट्टियाँ इस बिल्डिंग के सामने अच्छी नहीं लगती हैं, तो शायद ये भी एक मसला हो सकता है कि इस झोपड़पट्टी को हटाया जाए। अच्छा, अब मैं ये बताइए आपके पास क्या क्या पेपर, ये क्या डॉक्यूमेंट है? NRC। अच्छा, ये आपने असम में जो NRC की है उसका कॉपी है ये? तो आपका NRC भी हो चुका है और NRC में आपका नाम भी निकल गया। ये 5 फैमिली का नाम है। तो ये प्रूफ है कि आप भारतवासी हैं, इंडियन है, ठीक है ना, बांग्लादेशी नहीं है? ठीक है, और क्या क्या पेपर है? और इधर ये मोदी सरकार के कार्ड है, हमारा यूनियन से दे दिया। अच्छा, और ये है हमारा ड्राइविंग लाइसेंस। ये ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस। ये है मेरा वोट का आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ठीक है। ये है मेरा पैन कार्ड, पैन कार्ड। तो जिसने भी ट्वीट किया था, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, ये आके आप देखिए, ट्वीट करने से पहले बहुत अच्छा लगता है आपको ट्वीट करना ना, तो ये भी मैं आपको ट्वीट करके दिखाता हूँ कि ये सारे डॉक्यूमेंट के साथ लोग यहाँ रहते हैं, ये कोई बांग्लादेशी नहीं है, सारे हिंदुस्तानी लोग हैं। ये वही एरिया है जहाँ पे लोग, जिसको ये कहा गया कि बांग्लादेशी लोग हैं और अनऑथराइज तरीके से रहते हैं, उनके घरों को तोड़ दिया गया, CA और NRC का एक डर बैठा कर। इसके कई कारण हो सकते हैं, कि ये भी कहा जा सकता है कि आप अपने देख सकते हैं कि मेरे सामने आलीशान फ्लैट हैं, अब उनके तरफ से भी इन्फ्लुएंस किया जा सकता है कि इतने अच्छे घर और क्लब हाउस के सामने एक झोपड़पट्टी है, शायद उनको ये भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, उसका भी एक रीज़न है कि इन्फ्लुएंस किया गया होगा। और जिसको भी इन्फ्लुएंस किया गया है उसको एक अच्छी बात नज़र आई होगी, चलो इनको टैग देते हैं बांग्लादेशी का और उसी के बहाने हम इसको तोड़ते हैं, ये एंगल भी हो सकता है। ये जो कॉलोनी में आने के बाद पता चला कि जो ये कहा गया था कि यहाँ बांग्लादेशी मुस्लिम रहते हैं, लेकिन सिर्फ मुसलमान नहीं रहते हैं, यहाँ पे ये पता चला, हकीकत तो ये है कि जो लोग दूर गांव से आते हैं, जिनकी तनख्वाह 10,000 रुपया होता है, कोई वॉचमैन है या कोई छोटा मोटा काम कर रहा है, वो ऐसे जगहों पे कम रेंट पे मकान छोटा सा बना के अपनी ज़िंदगी गुजारता है। इसमें लोकल गांव के बहुत दूर के कर्नाटका के रहने वाले भी हैं, कुछ लोग यहाँ बिहार से हैं, कुछ लोग कलकत्ता के हैं और कुछ लोग आसाम के हैं। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया कि सिर्फ बांग्लादेशी बंगाल से आके यहाँ बसे हैं, ये सरासर गलत है।
सुनीता मैम हमारे साथ हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सोशल वर्क करती हैं, वो भी यहाँ स्लम में आई हैं, तो उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो स्लम तोड़ा गया है, आपके हिसाब से इसको आप कैसे देखती हैं? इस स्लम के हिसाब से तो देख रहे, कानूनी हिसाब से थोड़ा नहीं है, क्योंकि कोई भी नोटिस नहीं दिया है उनको, पहले वार्निंग नहीं दिया है, या कोई भी पेपर नहीं है जो दिखाते हैं कि ये सरासर कानून के अंदर पुलिस को लेके आए हैं या जीसीपी को लेके आए, वो कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है ये तोड़ना ही इलीगल है, इट्स एन इलीगल डिमोलिशन। और जो भी मालूमात में आया है कि लोगों के ऊपर धमकी लगा के, लोगों के ऊपर डॉक्यूमेंट्स भी नहीं पूछा ताकि वो कुछ भी एस्टेब्लिश करे अपने बारे में। और ज़्यादातर स्लम्स तो बेंगलोर में हो, नए स्लम्स भी हो, उसके पास भी कुछ न कुछ वजूद है कि वो लोग है इधर, क्योंकि वो नगर के लिए काम कर रहे हैं, वो बेंगलोर के लिए काम कर रहे हैं और बेंगलोर के उन्नति के लिए काम कर रहे हैं, तो उनका राइट्स है कि वो लोगों को, वो लोग घर बना सकते हैं और वो लोग रह सकते हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये बीबीएमपी का ज़मीन नहीं है, ये गवर्नमेंट का ज़मीन है, तो जो लैंड ओनर है वो बोलना चाहिए कि ये लोग रह सकते हैं या नहीं रह सकते। तो लैंड ओनर ने रेंट पे दिया है? हाँ, लैंड ओनर रेंट पे दिया, तो इसका मतलब है वैलिड है। अब वो उसने टेम्पररी स्ट्रक्चर बना के आप रहो उसके लिए अलाउ किया, हाँ, तो मतलब वैलिड है, वैलिड है। तो इसमें दो एंगल मेरे को नजर आता है, एक नज़र आ रहा है कि लोगों को NRC और CA के बीच में एक फंसा कर इसको हटा दिया जाए, और दूसरा एंगल लग रहा है कि इतना बड़ा बिल्डिंग, आलीशान मकान है और उसके सामने ये एक दाग नजर आ रहा है, तो आप कैसे देखते हैं दोनों एंगल वैलिड? एक्चुअली सभी स्लम्स के इतिहास वैसा है कि जिधर जिधर स्लम्स आए हैं उधर उधर जमीन पक्का नहीं था, खाड़ी था या पानी था, वो सब साफ करके सब जमीन पक्का बनाने के बाद रियल एस्टेट वाले आते हैं और बोलते हैं कि ये जमीन के ऊपर हमारा कब्जा करना है, तो वो लोग पैसा तो चलता है, पैसे की लेन देन होता है, और लोगों को हटाने का अलग अलग तरीका ढूंढता है। एक तो तरीका है डायरेक्ट हटाते हैं, अगर उसके पास उतना प्रूफ है कि ये जमीन उनका नहीं है, लोगों का नहीं है। तो हर एक स्लम का, हर एक झोपड़पट्टी का इतिहास वही है कि वो जमीन लेवल करने के बाद डेवलपमेंट के नाम पे बिल्डिंग वाले हो, गवर्नमेंट हो या रियल एस्टेट वाले हो, आते हैं और वो लैंड डेवलप लैंड लेते हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि जब ये जंगल रहता है, हाँ, तो जिन जो मालिक है वो क्या करता है कि लोगों को स्लम बनाने के लिए दे देता है 4-5 साल के लिए कि आराम से पहले इसको क्लीन करो, साफ करो और एक रहने के लायक, काम करने के लायक जमीन हो जाए, और जब उसके सराउंडिंग डेवलप कर जाते हैं तो हो सकता है लैंड जिसका लैंड लॉर्ड है वो वैल्यू आता है, हाँ, और वैल्यू आ जाता है, तो वही तरकीब लगाते होंगे फिर से हटाने की, ये भी हो सकता है, यही होता है फुटबॉल जैसा, एक जगह से दूसरा जगह, क्योंकि हमारे लोगों को आज तक ये नगर बनाने वाले यही है, लेकिन इन लोगों के पास कुछ भी आइडेंटिटी कार्ड नहीं देते, काम की जगह पे भी ID कार्ड नहीं है, तो कुछ भी रिकग्निशन नहीं है, कानून के अंदर उनका नाम नहीं है, तो एंड में यही हुआ ना कि आप गरीबों को हर तरीके से यूज करते हैं, यूज करते हैं और कुछ भी नहीं, जरूर तो यूज करते हैं, हाँ। और इन बिल्डिंग वाले तो पूछो मत, हाँ। उनका तो एटीट्यूड वो है कि ये गरीब है, हमारे आंख के सामने नहीं दिखना चाहिए, हाँ, हमको उनका सर्विसेज चाहिए, जैसे हम लोग घर काम करने वालों के साथ काम करते हैं, हमारे यूनियन है, तो हर समय ये दिखाई देता है कि जब उनका सर्विसेज चाहिए तो बहुत अच्छा तरीके से बात करते हैं, और जब सर्विसेज नहीं चाहिए तब वो लोग क्रिमिनल है, वो लोग काम करने की तरीका मालूम नहीं है, वो लोग बाहर वाले हैं, वो लोग इलीगल है। तो ये जो एटीट्यूड है, पर्सपेक्टिव है, ये क्लास पर्सपेक्टिव है और ये पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है, ये समझना है। जो रहे NRC की बात, अभी ये माहौल के अंदर जिधर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर अभी इस रास्ते पे जा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में तोड़फोड़ करना है, वो रास्ते पे जा रहे हैं, तो अभी ये माहौल में और भी ज़्यादा डर के माहौल में और द्वेष के माहौल में, जैसे हेट के माहौल में, ये और भी होने वाला है, तो ये इधर उधर झोपड़पट्टी को तोड़ के, तो इस झोपड़पट्टी वाले क्या सोचते, हमारे तरफ नहीं आया ना, उधर हुआ था, हमारे पास नहीं आएंगे तो हम सेफ है, तो ऐसे करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे सबको। तो ये हमारे PM जी एक नया तरीका दे दिए कि NRC CA का डर दिखाओ और झोपड़पट्टी को खाली करो,
वो भी है क्योंकि डॉक्यूमेंट कलेक्ट, हाँ, डॉक्यूमेंट कलेक्ट एक आसान रास्ता मिल गया है कि ये डराएंगे तो ये अपने आप यहाँ से भाग जाएंगे, क्योंकि प्रूफ क्या है कि जिधर जिधर तोड़फोड़ हुआ है उधर एक्चुअली जिनका तोड़फोड़ करना चाहते हैं उनका नहीं हुआ है। जैसे गुलबर्गा से लोग भी है, झारखंड से भी लोग है, सिर्फ बांग्लादेशी के नाम पे लोग नहीं है इधर, सभी लोग माइग्रेंट्स हैं, बहुत सारे लोग माइग्रेंट हैं। अपने मिनिस्टर्स को भी पूछेंगे, हमको भी पूछेंगे, हम भी माइग्रेंट हैं, ठीक है, तो सभी लोग माइग्रेंट हैं। तुम कौन हो, कौन लीगल है, कौन इलीगल है, एस्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन ऐसे झोपड़पट्टियों में आप देखिए तो हर कोई आके अपना फायदा और अपना कमाई करता है। पुलिस वाले आते हैं, धमकी देते हैं कि तुम बाहर वाले हो, पेपर दिखाओ, अगर बाई चांस पेपर उस वक्त पॉकेट में नहीं है तो पैसे दो। तो एक गरीबों को हर कोई अपने तरीके से सता रहा, क्योंकि उनका उनका एम ये है ना, जितना तक गरीबी रहेगा उतना तक उनका राज चलेगा। अगर गरीबी सचमुच हटाएंगे तो हमको पॉलिटिशियन जरूरी नहीं है। पॉलिटिशियंस अभी बना के रखा है क्योंकि उसके पास हम जाके बेग करेगा कि हमारा सेवा करो, हमको ये दे दो वो दे दो। अगर गरीबी नहीं है तो कौन किसको पूछेगा। जैसे ये बिल्डिंग वाले, उनको किसी भी पॉलिटिशियन की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके काम के लिए ना, जिंदा रहने के लिए जरूरत नहीं है उनको पॉलिटिशियन का। और दूसरी एक बात है कि इधर जब झोपड़पट्टी इधर जब हमला हो रहा था 300 घरों के ऊपर, हमको सुनाई दिया है कि जो डॉक्यूमेंट्स उनके साथ था, उनके हाथ में था, कुछ लोगों को NRC हुआ है असम में, अभी वो बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि तुम्हारा नाम उधर है, वो डॉक्यूमेंट ही नहीं है अभी, तो तुम क्या कर रहे हैं कि बिना नोटिस के हाँ, है, हाँ, और डॉक्यूमेंट उसके अंदर हाँ, था, तो वो भी लॉस हो गया है। और वो लोग भी नहीं था, काम पे गया काम था पे कुछ गया। लोग कुछ लोग डॉक्यूमेंट नहीं रख, अब उनको फिर अपने घर जाके उसकी कॉपी निकाल के फिर से आने, ये एक परेशानी, ये वापस परेशानी, वापस पैसे का खर्च, वापस परेशानी, वापस ये सब। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कलीम साहब, आप यहाँ आते हैं, लोगों को हेल्प और करते हैं परेशानियों में, तो आपने ये सारा तोड़फोड़ देखा है, आपके हिसाब से क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ होगा। देखिए, मैं इनके बीच में 6 साल से मैं इनकी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, समझे। लास्ट ईयर जो है 2019 4 जनवरी को अरविंद लिम्बावली BJP MLA है ना, उसने एक ट्वीट भी किया और बोला कि राजनाथ सिंह है ना हमको हुक्म दिया है कि ये करना है, यहाँ के जोगियों को ये करना होगा। तभी है ना वो 250 पुलिस लेके उधर पहुंचा तुबरहली एरिया में, खाली कर 2 दिन का टाइम दिया, पूरा खाली करो बोला, समझे। तब हम लोग जाके पूरे 20 पराठ ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा करके, उसमें CPM लेफ्ट पार्टियां थे, दलित पूरे मुसलमान पूरे मिलको ये करे, तब जाको वो इविक्शन स्टॉप करे। फिर है ना हमने कोर्ट है ना स्टे दिया, तो स्टे देने के बावजूद वो थमा, पूरे लोगों को तकलीफ नहीं हुआ। हालांकि जब करंट कट कर दिया, हम BBMP कॉरपोरेटर मेयर सबको जाकर पूछे, कमिश्नर को सभी, उन्होंने बोले हमें ऑर्डर नहीं दिया। तब वो टाइम पे है ना यहाँ जॉइंट कमिश्नर माधेपुरा का था जगदीशा, वो उसका आदमी है, तो उसके थ्रू वो हैंडल कराए, हैंडल करा के पुलिस को सब है ना आ गए। असल है ना BBMP वाले भी मासूम ही, एक पुलिस भी मासूम, इनको क्या बने, मेन अक्यूज उन्हें उसके इशारे में पूछा था। आज जो भी हुआ है वो भी उसके इशारे में छुआ, ट्वीट कर सब इन्हें, तेजस्वी सूर्या का है ना स्टेटमेंट, उसके इशारों पर ये पूरा हुआ है। लेकिन ये बोलना गलत है, क्योंकि हम लोग भी पूरे झोपड़पट्टी काफी देर घूमे हैं कि यहाँ कोई बांग्लादेशी रहता है, हम लोग को अभी जितने लोगों का देखा सबका पेपर हम लोग ने चेक किया है ऑलमोस्ट, तो कई बांग्लादेशी तो दिखाई नहीं दिए। देखिए साहब, जब पुलिस कमिश्नर की जो स्टेटमेंट आया था एक टू मंथ्स बैक, उसमें बहुत स्ट्रांग दिया उन्हें, अगर कोई भी ये लोगों को सपोर्ट करता 120B के अंदर उसे ये करेंगे एक्शन ठाएंगे को, उतना स्टेटमेंट देना, ये बांग्लादेशी भी नहीं पूरे खाली करे, अभी उत्तर कर्नाटक वाले सब आके उधर बस गए, समझे। ये हम दिखते थे लेकिन वो लोग डर डर के रहते थे, हम भी समझते कि हम यहाँ का लोकल है, जाने से डरेंगे बोल के उससे दूर ही रहते, तो जितने हम बंगाली लोग उनको सपोर्ट करते थे, तब जाके ये लोग पूरा खाली हो गया। अभी वो ये है ना यही चीज़ पर है ना, अभी NRC का सुबह है ना, उसमें पूरा मिला के एक पॉलिटिक्स, और एक खुली बात क्या है, लिम्बावली की BJP पार्टी में कुछ भी वैल्यू नहीं से हो गई, वो जो होमोसेक्सुअल किया को है ना उसमें उसका पूरा इमेज डैमेज हुआ। अब वो इम्प्रूव करने के लिए, वो अपना इमेज पार्टी के अंदर नाम फिर से बनाने के लिए ये हरकतें करना शुरू किया है,
समझे, इसमें उसका पूरा हाथ है, ये सबको मालूम। जांच कमेटी बैठे और ये बीबीएमपी ऑफिसर पुलिस वालों को सबसे जांच करे कि इसके पीछे कौन, तुम्हारे किसके इशारे में तुम ये काम किए, तब पता चलेगा, तब जाके सच्चाई पूरा खुल के आएगी।